गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब लोग? तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, कुछ टिप्स जैसे आप अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो करवा सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। तो इसमें मैं बताऊंगी आपको कुछ फूड आइटम्स जिससे आपकी स्किन हेल्दी रह सकती है, अच्छी बनी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, ब्राइट रहेगी ना, तो वो कुछ बताने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को ताकि आपको पता लग सके कौन से फूड आइटम्स होते हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी बना के रखते हैं। तो पहला फूड आइटम होता है बेल पेपर्स। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा बेल पेपर्स आते हैं, लाइक कलरफुल में, रेड, ग्रीन एंड येलो में। तो जो कलरफुल बेल पेपर्स होते हैं उनके अंदर कैरोटीन होता है, जिससे मतलब जिसको ना हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। तो कैरोटीन ना हमारी स्किन को नेचुरली ऑरेंज एंड पिंकिश ग्लो देती है। एंड बेल पेपर्स बहुत ही हेल्पफुल रहती है, लाइक जैसे वो ना ही हमारी स्किन को एक फ्रेशन अप लुक देती है बट एक नेचुरल सन ब्लॉक का भी काम करते हैं हमारी स्किन के लिए। सेकेंड फूड आइटम है हमारा स्वीट पोटैटो, जिसको हम नॉर्मली शकरकंदी भी कह देते हैं। जो स्वीट पोटैटो है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड काफ़ी ज़्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन सी एंड ई हमारे हेयर एंड स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वेयर एज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन ए भी होता है जो हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है ना, सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है, ड्राइनेस एंड रिंकल्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कम करता है, एक नेचुरल ग्लो भी लेके आता है हमारी स्किन के ऊपर। सो हमारा थर्ड फूड आइटम होता है वॉलनट्स। वॉलनट्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा विटामिन ई एंड B5 होता है जो हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है और जो हमारे पोर्स होते हैं उसकी टाइटनिंग में हेल्प करता है ये चीज़ें। तो इसके अंदर विटामिन B5 होता है ना वो हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ सन टैन एंड डार्क स्पॉट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है और स्किन ग्लो भी करती है, वेयर एज इन विटामिन ई होता है वो स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो फोर्थ फूड आइटम होता है डार्क चॉकलेट्स, जिसके अंदर 70-85% कोकोआ प्रेजेंट हो। स्वीटेंड चॉकलेट्स नहीं लेनी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी होती है, शुगर होती है, जिससे काफ़ी डिजीजेज भी हो सकते हैं, मतलब अच्छी नहीं रहती है सेहत के लिए वो चीज़ें, हार्ट रिस्क होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ये हेल्प कर इसमें काफ़ी ज़्यादा ना एंटीजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, प्लस काफ़ी ज़्यादा रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, धूप से बचाता है हमको एंड इससे हमारी स्किन को ना एक नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, फाइन लाइन रिंकल्स की होती है प्रॉपर्टीज़ ये डिले कर देता है, एंटीजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है सच इसके अंदर। तो हाँ ये भी बहुत अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, हेल्दी ग्लो के लिए। फिफ्थ आइटम होता है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा एंटीएजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सनफ्लावर सीड्स होते हैं इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्ने एंड इन्फ्लेमेशन, ये हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, प्लस ये भी हमको धूप से बचाता है, ये एक्ट करता है एज ए नेचुरल मॉइस्चराइजर प्लस कंडीशनर। इसके अंदर ना बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमारे जो हेयर फॉल होते हैं वो भी रुक जाते हैं। लास्ट आइटम है सिक्स्थ, वो है टमाटो। आई गेस आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, टमाटो हेल्प करता है हमारी स्किन की ब्राइटनिंग में, है ना, ये भी बहुत अच्छा ग्लो देता है, इसको आप खा भी सकते हो, ये एज अ सनस्क्रीन काम करता है, अगर आप एक टमाटो खा रहे हो पर डे तो बहुत अच्छा रहता है, एज अ सनस्क्रीन काम करता है, धूप से बचाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, स्किन ब्राइट करता है, जो पोर्स होते हैं वो टाइट करते हैं, प्लस एक्ने वगैरह से लड़ते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्शन हमारा इंप्रूव होता है उससे, फिर स्किन पे एक्सेसिव ऑयल होता है ना उसको भी कम करने में हेल्प करता है, प्लस जो डेड स्किन सेल्स होते हैं हमारे फेस पे सारे रिमूव करने में हेल्प करता है। सो यही सिक्स फूड आइटम्स थी जिससे हमारी स्किन नेचुरली ग्लो कर सकती है। बट फूड आइटम्स तो चलो अलग बात है, अगर आप दिल से मतलब आप खुश रहोगे ना, जितना खुश रह सकते हो खुश रहो, बिकॉज अगर आप इंटरनली खुश रहोगे तो वो आपके फेस पे ऑफकोर्स दिखता ही दिखता है, आपका नेचुरल ग्लो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो यस, that's it for the video guys, you like the video don't forget to like share and comment, bye bye guys।